विगत दिनों आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में जयसवाल जैन समूह का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें 24 और 25 दिसंबर को सोनागिर में परिचय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद निर्मल सदन आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वितीय सत्र में क्षेत्रीय संयोजकों को संबोधित किया। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, हमारी समाज व्यापारिक समाज मानी जाती है। जैनों में 90% अगर समाज कोई व्यापारी समाज है तो जयपाल जैन उपरोचिया 90% व्यापारी समाज है। 90% चाहे छोटा व्यापार करे चाहे बड़ा व्यापार करे, लेकिन व्यापार करेगा नौकरी भी करेगा। संबंध इसलिए नहीं आते कि साहब पता नहीं वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके पास जाएं तो पता नहीं हमारा संबंध हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। निम्न वर्ग के पास इसलिए नहीं आते कि भाई उनके पास तो ना अपना घर का मकान है ना कुछ खाने पीने के, बच्चे के लिए कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मध्यम वर्ग बेचारा बीच में पिसता रहता है, वो सोचता है कि मैं अपने से बड़े के पास जाऊँ या नीचे के पास जाऊँ या छोटे के पास जाऊँ। और सर्विस वाले चाहते हैं कि हमें सर्विस क्लास ही मिल जाए, बिजनेस वाले चाहते हैं हमें बिजनेस वाला ही मिल जाए। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपकी पसंद का चुनाव किया जा सकता है। आप अपने बच्चे का बच्ची का सिलेक्शन करके, अगर आपके पास डाटा तैयार है तो सिलेक्शन करके, ये बहुत ही बढ़िया माध्यम है। इस अवसर पर यहां मौजूद पदाधिकारियों एवं सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जयसवाल जैन समूह ने राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान बताया कि 24 व 25 दिसंबर को सोनागिर में परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।